आज पूरे देश में देश का 73वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गली मोहल्ले चौक चौराहे पर मौजूद थी। वहीं देवरिया जनपद में ड्रोन से भी रिंग निगरानी की जा रही थी। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के पश्चात परेड भी निकाली गई। वहीं देवरिया जनपद के पुलिस लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरी पुलिस लाइन को रंगोली से सजाई गई थी, जो बेहतर आकर्षक दिख रही थी। वहीं इस परेड को देखने के लिए देवरिया जनपद के अलग अलग कोने से लोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि पुलिस लाइन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे देवरिया के डीएम आशुतोष निरंजन ने देवरिया जनपद 2022 और 21 में जो कार्य हुए, इस मौके पर उन्होंने बताया कि देवरिया जनपद में कितने कार्य हुए हैं, कितने लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीन लगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि देवरिया जनपद के पुलिस द्वारा शौर्य अवर का प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि साइबर सेल की टीम डायल 112 सहित पुलिस विभाग की कई टीमों द्वारा यहां पर झांकी निकाला, जिसे देखने के लिए देवरिया जनपद के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे थे। वहीं जवानों को प्रस्तुत पत्र भी दिया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में देवरिया जनपद के पुलिस लाइन में पहुंचे थे। Yeah.